नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र भाई शिवकुमार सर में। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने ग्रामर टॉपिक के अंदर मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनका डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने अपना जो मॉडल वाला चैप्टर है, सॉरी जो ऑक्सिलरी वर्ब टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है, और उसके अंतर्गत हमने जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल्स, यानी मॉडल्स जो कि हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं आपके, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसके अंदर इनसे संबंधित, इनसे रिलेटेड जो है एरर्स बनते हैं। और उन एरर्स को कैसे फाइंड आउट करें, यानी मॉडल्स का सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, आज उनका यूज करना हम जानेंगे। किस प्रकार से मॉडल का कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, किस सिचुएशन में किस मॉडल को इस्तेमाल किया जाता है, आज उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मॉडल को डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि मॉडल है क्या। तो मॉडल इज ए टाइप ऑफ वर्ब, मॉडल एक ऐसी वर्ब है दैट इज यूज टू इंडिकेट एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑब्लिगेशन एंड इवन एडवाइस। यानी कि मॉडल के अंदर हमारे सामने इस प्रकार की सिचुएशन मिलेगी सेंटेंस के अंदर, यानी जो सेंटेंस मिलेगा उसमें या तो कोई एबिलिटी दे रखी होगी या कोई परमिशन दे रखी होगी। परमिशन इसमें सिक भी की जाती है और परमिशन इसमें दी भी जाती है, यानी परमिशन लेने और देने के लिए, रिक्वेस्ट कैपेसिटी को शो करने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, सजेशन देने के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, ऑब्लिगेशन यानी मॉरल ड्यूटीज वगैरह जो होती है हमारे उनके बारे में एडवाइस करने के लिए, इन सभी ये सभी जो है सेंटेंस के अंदर हमें ऐसी सिचुएशन मिलेंगी। और ऐसी सिचुएशन के अंदर अलग अलग मॉडल का अलग अलग रोल होता है, वो किस प्रकार से मॉडल यूज किए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल कौन कौन से मॉडल्स हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ओट टू, डेयर, नीड एंड यूज टू। ये हमारे 13 मॉडल्स हैं जो कि हम मॉडल चैप्टर के अंतर्गत जो है इनका डिस्कस करते हैं। तो आइए चल हम ज्यादा समय व्यस्त नहीं करते हुए इनके यूजेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम मे के यूजेस के करते हैं। मे मे जो है संभावना को व्यक्त करता है, या मे जो है पॉसिबिलिटी को शो करता है, अनसर्टेनिटी को शो करता है। मे जो है परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वन बाय वन हम इनका इस्तेमाल करते हैं। चलिए मे का टू टेक और गिव परमिशन, यानी परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी मे के अंदर जब हम परमिशन अगर जो लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी अगले को पोलाइट करने के, यानी ये पोलाइट ज्यादा होती है, इसमें पोलाइटनेस ज्यादा होती है, अगले को विनम्र करने के लिए इस प्रकार का मे का यूज किया जाता है। और इसमें जैसे मे आई यूज योर फोन, तो अगला सामने वाला हमें अगर जो परमिशन देता है तो यस यू मे यूज, या अगला देखते हैं हम इसमें क्या है, जैसे कि परमिशन देने के लिए यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो। मान लीजिए किसी ने पूछा मे आई गो नाउ, तो क्या बोलेगा, यस यू मे गो नाउ। तो इस प्रकार से परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए। दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। मान लीजिए कि मॉनसून का टाइम है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, ऐसे में जैसे कि हम बोलते हैं द वेदर इज क्लाउडी इट मे रेन टूडे, द वेदर इज क्लाउडी इट मे रेन टूडे। यहां पर मे का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, बारिश आ सकती है, बारिश आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जब बारिश आने की संभावनाएं कम होती हैं, तब हम इसके स्थान पर क्या यूज कर सकते हैं, मे यूज कर सकते हैं। इसे जो लेस पॉसिबल है वो कैन भी यूज कर लेते हैं, जिसका कि हम कैन वाले जब कैन को डिस्कस करेंगे उसके उसमें बताएंगे आपको। तो इट मे रेन टूडे, ये जिसको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करता है। तीसरा इसके अंदर विश और प्रेयर, यानी हम किसी के बारे में अपने प्रेयर करते हैं, विश करते हैं किसी को सफल होने के लिए, आशीर्वाद इस प्रकार का जब हम प्रेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मे यू लिव लॉन्ग। मान लीजिए हमें किसी की दीर्घायु के लिए हम आशा करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो, या मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। इस प्रकार से जब हम किसी के लिए
प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी की सक्सेस, किसी को सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं, ऐसे में हम मे का इस्तेमाल करते हैं। अब मे जो है यहां पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस का रोल प्ले करता है, मे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, लास्ट के अंदर क्या आता है, लास्ट के अंदर मार्क ऑफ इंटरोगेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके लास्ट में आएगा जब भी ये इंपेरेटिव के अंदर यूज होता है। फोर्थ, इसमें यदि प्रिंसिपल क्लास, यदि प्रिंसिपल क्लास इनसे शुरू होता हो, जैसे सॉरी जिस प्रिंसिपल क्लास के अंदर दैट रिकव सो दैट रिकव इन ऑर्डर दैट रिकव, यानी कि कॉन्सिक्वेंस को परिणाम को दर्शाने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन क्लास के अंदर किससे शुरू होते हो, इनसे शुरू होते हैं, तब हम जैसे वी ईट हम खाते हैं, ये हमारा क्या होगा, एक क्लास होगा। सो दैट वी ईट हम खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम किस लिए खाते हैं, जिंदा रहने के लिए। हम दैट का इस्तेमाल भी, इसको रिप्लेस दैट से कर सकते हैं, इसको रिप्लेस इन ऑर्डर दैट से भी कर सकते हैं। यानी इस पे नंबर वन टू जो मैंने डाले हैं सिर्फ इसलिए कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, सेम मीनिंग सेम अर्थ रहेगा इसका। पांचवा जो पॉइंट है टू जो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को शो करने के लिए, हाउ ओल्ड सी मे बी, मान लीजिए किसी से मिले हुए काफी वक्त हो गया है और पूछा जाता है कि भाई वो कितनी बड़ी हो गई होगी, तो हाउ ओल्ड सी मे बी, कितनी बड़ी होगी अनसर्टेन है, पता नहीं कितनी बड़ी होगी। हु मे बी देयर, बाहर कौन है, यानी कौन हो सकता है, संभावना जताई जा रही है, अनसर्टेनिटी है, ऐसे में इनके साथ क्या किया जाता है, मे यूज किया जाता है। अब हम मे का जो पास्ट रूप होता है वो होता है माइट, मे का पास्ट रूप होता है माइट, यानी माइट का इस्तेमाल हम इसके साथ करना करेंगे बिल्कुल इसके पैरेलल। क्यों, क्योंकि मे का पास्ट रूप में माइट का होता है, जब हम नरेशन चेंज करते हैं वहां पर मे होता है, जैसे कि यहां पर हम माइट का इस्तेमाल आपको बता रहे हैं। माइट का जो यूज है पास्ट ऑफ मे, पास्ट ऑफ मे यानी मे के अतीत के रूप में, कब, जब हम नरेशन चेंज कर रहे होते हैं, जैसे ही सेड यू मे गो नाउ, उसने कहा कि अब तुम जा सकते हो, तो ही सेड दैट आई माइट गो देन, तब मैं जा सकता था। यानी जब इसको हम नरेशन चेंज करेंगे, नरेशन चेंज करते हैं तो प्रेजेंट जो पास्ट में चला जाता है, तो मे का जो पास्ट है वो माइट है। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर देखिए, लेस पॉसिबिलिटी, ये हमने अभी यहां पे दर्शाया था कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं, और माइट से लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग क्या होता है, कैन भी पॉसिबिलिटी शो करता है, कैन माइट से ज्यादा पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो लेस पॉसिबिलिटी, इट माइट रेन टुडे, हो सकता है कि हल्के बादल छाए हुए हों या बादल न हो थोड़े बहुत इस प्रकार का, और एक प्रेडिक्शन हो जाए कि इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, ये सर्टेन है कि आज बारिश होगी ही होगी, संभावना कम है, कम संभावना के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, माइट यूज करते हैं। एक तरह हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है कम पढ़ने वाला है और वो एग्जाम दे रहा है, तो ही माइट पास, ही डज नॉट वर्क हार्ड ही माइट पास, क्योंकि मेहनत नहीं करता है तो क्या है, पास होने की संभावना कम है। तो इसे तीसरा जो पॉइंट है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी जहां पर विनम्र प्रार्थना की जाए, विनम्र प्रार्थना के लिए जो, देखिए पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी लेस होती है लेकिन पोलाइटनेस इसके अंदर ज्यादा होती है, पोलाइटनेस माइट के अंदर ज्यादा होती है। माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, यानी क्वेश्चन पूछने की संभावना, यानी तीव्र इच्छा है उसकी ये पूछने की, तो सामने वाला अपना जो उसको विनम्र भाव से यस बोलता होगा, बोलेगा कि यस यू मे या यू कैन। तो ऐसे में क्या होता है कि पोलाइट माइंड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है, और ऐसे में इसमें जो है पोलाइट रिक्वेस्ट वाले के अंदर हम और अदर भी यूज कर सकते हैं, माइट आई यूज योर कार, यानी उससे रिक्वेस्ट की जा रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, यानी जरूरत ज्यादा है, माइट आई यूज योर फोन। तो इस प्रकार से इनका फोर्थ जो पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोजिशनल सेंटेंसेस के अंदर, यानी जो कोरी कल्पना को दर्शाने वाले जो सेंटेंस होते हैं जिनकी पूर्ण होने की संभावनाएं काफी कम होती हैं, वैसे सेंटेंसेस के अंदर भी हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये कब, किसे, आई विश, वी विश, ही विशेस, दे विश, इस प्रकार से जो ये सेंटेंस शुरू होते हैं,
पोजिशनल है, कोरी कल्पना है, पूर्ण होने के चांसेस काफी कम होते हैं। ऐसे में इसके साथ माइट का इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर हमने दर्शाया भी है, लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है ये। तो आई विश ही माइट हैव सीन द ताज, कि मैं चाहता हूं कि वो ताज को देखे, यानी ताज को उसको देखना चाहिए, ताजमहल को देखना चाहिए। आई विश ही माइट हैव सीन द, ही माइट हैव सीन द मदर इंडिया। आई विश ही माइट हैव सीन द दिल जले, या कोई भी मूवी का नाम ले सकते हैं, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस का नाम ले सकते हैं, पैलेस का नाम। तो ऐसे में मतलब वो देख, उसने ये देखा होगा, यानी कि संभावना क्या है, कल्पना है, देखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा, इसका जो इस्तेमाल करते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, जैसे इफ यू वर्कड हार्ड, यहाँ पे ये ध्यान रहे कि ये अगर जो पास्ट में है तो ये आपका पास्ट में का पास्ट रूप मिलेगा। इफ यू वर्कड हार्ड, यदि आपने मेहनत की होती, यू माइट सक्सेड, आप सफल हो गए होते। कंडीशन शो की जा रही है, स्पोजिशनल, कंडीशनल। इफ किसको शो करता है, कंडीशन को शो करता है। तो इस प्रकार से हमने ये मे और माइट के इस्तेमाल यूजेज के बारे में जाना। आगे हम देखते हैं कैन और कुड की। तो अब जानते हैं हम यूजेज ऑफ कैन एंड कुड, कैन और कुड की यूजेज के बारे में जानते हैं। तो चलिए, कैन क्या है, कैन का इस्तेमाल कब किया जाता है। कैन, कैन का मतलब होता है सकना, यानी एबिलिटी को शो करता है, पावर को शो करता है, कैपेसिटी को शो करता है। ये एबिलिटी जो होती है, एबिलिटी अपने जो हमारे मसल जो फिजिकल होती हो सकती है, कैपेसिटी हमारी फिजिकल एवं इवन मेंटल और इवन वेल्थ से भी हो सकती है। पावर हमारी माइंड पावर हो सकती है, फिजिकल पावर हो सकती है। तो इन सब के बारे में, यानी ये सेंटेंस जो हमारा यहां पर देखिए, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इस बॉक्स को उठा सकता है, किसको शो कर रहा है, फिजिकल पावर को शो कर रहा है। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं, किसको, मेंटल एबिलिटी को दर्शा रहा है, मेंटल पावर को शो कर रहा है। वी कैन क्लाइंब माउंट आबू, माउंट आबू को हम क्लाइंब कर सकते हैं, हमारे एंडिवर कि जो पावर है उसको शो कर रहा है, हमारी कैपेसिटी को शो कर रहा है। कैन का फिर दूसरा इस्तेमाल जो है परमिशन के लिए, परमिशन के लिए। देखिए, हमने मे के बारे में भी जाना था कि मे से हम परमिशन ले सकते हैं, लेकिन परमिशन हम कैन से भी ले सकते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, ये जो होता है कैन से जब परमिशन दी जाती है तो इसका मतलब होता है यू आर अलाउड टू, यू आर अलाउड टू, यानी आपको जाने की अनुमति मिल गई है, आप परमिटेड, यू कैन गो, यानी परमिशन ग्रांटेड हो जाती है इसके अंदर। लेकिन यदि हम परमिशन लेने के लिए और देने के लिए मे का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा जो है सूटेबल माना जाता है। लेकिन मे अगर जो ऑप्शन में नहीं है, कैन है, तो हम कैन, कैन का भी इस्तेमाल उसके अंदर करेंगे, कैन का भी इस्तेमाल उसके अंदर करेंगे। उसी प्रकार से जो इसका थर्ड इस्तेमाल है फॉर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी सिद्धांतिक, यानी एक तरह से सिद्धांत रूप में, यानी जिसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या ये कहें कि उस चीज की संभावना हर किसी से भी है। मतलब सिद्धांत रूप में मान लीजिए कि हम ये बोलते हैं कि भी गलती कोई भी इंसान कर सकता है, टू एरर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है। तो यहाँ पर गलती होना इंसान का क्या है, थियोरेटिकल क्या है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर किसी से गलती हो सकती है, ये एक सैद्धांतिक बात है, ये नहीं कि कोई भगवान है उससे कोई किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट इसमें है हैबिट और नेचर, किसी व्यक्ति के आदत को दर्शाने के लिए या उसके नेचर को, स्वभाव को शो करने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, यानी एक व्यक्ति की आदत है, उसका नेचर है किसी को धोखा देना, तो वो हमें भी धोखा दे सकता है। इसका दूसरा है जब एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, एक ईमानदार व्यक्ति की क्या हैबिट होती है, क्या स्वभाव होता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में नहीं डालना चाहता। तो उसके जो क्या है नेचर है, तो नेचर की बात या हैबिट की बात होती है, उसके लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कुड,
कुड को देखिए, जैसा कि हमने नरेशन के अंदर उसमें यूज किया था, मेक अ पास्ट क्या होता है, माइट होता है, उसी प्रकार से कैन का पास्ट क्या होता है, कैन का पास्ट कुड होता है। जैसे कि यहां पर हमने नरेशन के अंदर दिखा रखा है, ही सेड आई कैन सॉल्व दिस, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, प्रेजेंट में है। जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट, जिसको किसमें हो गया, दैट में चेंज हो गया, कैन कुड में हो गया, बाकी वर्ब इसके अंदर चेंज नहीं होती है, क्योंकि मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ कोई भी टेंस का फॉर्मूला लागू नहीं होता है। यानी कि न इसके अंदर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या एस यूज कर सकते हैं, न टेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो यूज कर सकते हैं, न इसके अंदर हम पास्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। केवल और केवल इसके अंदर क्या यूज होता है, इसके अंदर वर्ब की बेस फॉर्म जो है वो यूज की जाती है, इसके अंदर किसी प्रकार का एस या एस यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये अपने जो रूल है उसको चेंज नहीं करते हैं, इसके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, केवल ओड टू और यूज टू को छोड़ करके, क्योंकि इसके अंदर भी मतलब क्या बेस फॉर्म लगती है, लेकिन ये टू इंफिनिटिव, ये यहां पर एक दूसरा पॉइंट आ गया कि ये हमेशा टू इंफिनिटिव बाकी सबके साथ डायरेक्ट इंफिनिटिव यूज किया जाता है, बाकी हमारे जो मॉडल हैं इनके साथ डायरेक्ट इंफिनिटिव यूज किया जाता है, लेकिन ओड टू और यूज टू है इसके साथ हम जो है टू इंफिनिटिव यूज करते हैं। तो आगे इसका देखते हैं, चलो आगे हम कुड को डिफाइन कर रहे थे, बीच में ये दो बात तीन बातें हमने बताई कि इनके साथ हम ये जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब्स जो होती हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, सब्जेक्ट का जो पर्सन और नंबर है उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, ये हमेशा अपने साथ बेस फॉर्म लेकर के चलती है। तो जैसे कि हमने बताया एज पास्ट ऑफ कैन इन सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन कैसे, यानी एबिलिटी को शो करना हो, पावर को शो करना हो, कैपेसिटी को शो करना हो, यानी पास्ट की एबिलिटी को शो करना हो, पावर को शो करना हो या कैपेसिटी को शो करना हो, तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही कैन लिफ्ट दिस वर्ब, इसको हम ये इधर यूज करें, ही कुड लिफ्ट दैट बॉक्स व्हेन ही वाज यंग, यानी जब वो युवा था, अतीत की बात बता रहा है, तो उस समय ये बॉक्स को लिफ्ट कर सकता था, उठा सकता था। दूसरा पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। तीसरा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ये मे से ज्यादा पोलाइट होता है, मे और माइट से ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है कुड। कुड यू हेल्प हिम प्लीज, कुड यू हेल्प हिम प्लीज, यानी हम जहां पर मे दे रखा है, माइट दे रखा है और पोलाइट रिक्वेस्ट और प्लीज लास्ट में दे रखा है और ब्लैंक हमें फिल करना है, तो हम कुड फिल करते हैं तो 100% हमारा ठीक रहेगा। यदि तीन मे माइट और कुड दे रखा है, कैन दे रखा है, कैन इन चारों के अंदर कैन कुड मे माइट, तो उसमें कुड जो है वो आपका ज्यादा संभावना ज्यादा पॉसिबिलिटी को पोलाइटनेस को शो करता है। फोर्थ पॉइंट है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इसके अंदर पॉसिबिलिटी जो होती है वो माइट से ज्यादा होती है, पॉसिबिलिटी माइट से ज्यादा होती है, मे की अपेक्षा कम होती है। इफ यू वर्क हार्ड यू कुड सक्सीड, ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया हमारा, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस देखिए ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है यहां पर, तो कैन का सेकंड रूप हो गया यहां पर। लेकिन हमने ये बताया कि संभावना ज्यादा पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, कैन में कम होती है, तो यहां पर हम कुड यूज करेंगे। अगर जो यहां पर फर्स्ट फॉर्म होती तो फिर यहां पर हम मे इस्तेमाल करते, कैन इस्तेमाल नहीं करते। हमने बताया कि पॉसिबिलिटी जो होती है वो कुड के अंदर माइट से ज्यादा होती है, मे से कम होती है। हाँ, पोलाइटनेस मे माइट और कैन उनसे ज्यादा होती है। तीसरा इसके अंदर और देखते हैं, इफ आई हैड सम मनी, यदि मेरे पास कुछ पैसा होता, आई कुड बाय ए कार, तो मैं कार खरीद लेता, कंडीशनल हो गई, कंडीशन है, पॉसिबिलिटी है कि पैसे ज्यादा होते तो पॉसिबिलिटी किसकी थी, कार खरीदने की पॉसिबिलिटी। इस प्रकार से हमने आज चार महत्वपूर्ण मे माइट कैन और कुड, चार महत्वपूर्ण मॉडल्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम
shall, should, will, would और साथ में हो सका तो मॉडल के बारे में, मस्ट के बारे में भी जानेंगे, मस्ट के बारे में भी क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।